अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं मरियम शिकागो से बात कर रही हूँ. मौलवी बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना था, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे. मेरा सवाल है, मेरी भांजी है वो सिंगापुर में रहती है, 8 साल की है, तो वो उसका जहन बिल्कुल भी नहीं, उसे कुछ याद नहीं होता. उसको याद भी कराती हूँ, उसकी माँ भी, अब उसके पापा भी, उसको 1+1 भी याद नहीं होता. वो 8 साल की है, बहुत अच्छे से बात भी नहीं करती, कहना भी नहीं मानती, थोड़ी चिड़चिड़ी है, जिद्दी है, समझ में नहीं आता उसका क्या इलाज करें. आप प्लीज़ उसके लिए कोई रहनुमाई फरमाएं, उसके वालदैन भी बहुत परेशान है. बहुत शुक्रिया. बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया. हाँ, उसके लिए दो अमल करें. एक तो ये सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयतें, ये रोज़ाना 11 दफ़ा पढ़ के उसके ऊपर दम करें और दोनों कानों पर ज़ोर ज़ोर से फूकें. एक तो ये अमल करें और दूसरा सूरह अलम नशरा 7 मरतबा पढ़ के उसके सीने पर फूक दिया करें और थोड़े से पानी पर दम करके पानी पिला दिया करें. तो गोया कि एक सुबह में कर लें या एक शाम में कर लें, तो गोया कि वो सूरत मोमिनून वाला मगरिब के बाद कर लें और सूरत अलमनशरा वाला सुबह में दिन में कर लें. ये 41 दिन पाबंदी से कर लें, इंशाल्लाह उसका सीना खुलेगा, उलूम उसको आसान हो जाएंगे, पढ़ाई आसान होगी, उसको याद रहेगा और जो चिड़चिड़ापन है वो उसकी कैफियत इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएगी. मैं भी दिल से दुआ करता हूँ. बहुत शुक्रिया.